नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म शोज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम आपको एक इतना बेहतरीन प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं जो कि आपकी जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाने में काफी कमाल कर सकता है। यह है उर्जित, एक ऐसा सोइल इनहांसर जो आपकी खेती को देगा एक नए जीवन की ताकत। दोस्तों उर्जित न केवल आपकी जमीन को नरम बनाता है बल्कि इसके अंदर बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी खेती को काफी ज्यादा उपजाऊ बना देते हैं। दोस्तों इसका इस्तेमाल आप हर एक फसल में कर सकते हो, चाहे आप सब्जी की खेती कर रहे हो या कोई भी फसल। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपके फसल के उत्पादन को कई गुना बढ़ा देता है। और दोस्तों आप देखिए, उर्जित के इस्तेमाल से आपकी फसल हरियाली से भर जाती है और जड़ों का बेहतरीन और बढ़िया विकास होता है, जिससे एनपीके और दूसरे पोषक तत्वों का अवशोषण और भी अच्छा हो जाता है। और दोस्तों फसल के पौधे सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि अजैविक और जैविक तनाव सहने के लिए भी सहनशील जाते हैं, जिससे उत्पादन की मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता भी बढ़ती है। दोस्तों आप उर्जित को किसी भी फर्टिलाइजर के साथ में मिलाकर दे सकते हैं। दोस्तों ये जमीन के अंदर मौजूद फर्टिलाइजर जो अघुलनशील और अनुपलब्ध स्थिति में होते हैं उन्हें पौधों को ये उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों आप उर्जित को सोयाबीन बोने के 30 से 35 दिन के बाद में इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मुझे सोयाबीन बोए हुए यहाँ पे 2 महीने हो चुके हैं। जहाँ जहाँ पर मैंने उर्जित का इस्तेमाल किया है वहाँ पे जमीन की हार्डनेस काफी ज्यादा कम हो चुकी है। और दोस्तों हमारी जो जमीन है वो काफी ज्यादा भुरभुरी भी हो चुकी है, इसके साथ साथ में सोयाबीन की हरियाली और मजबूती भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और मुझे लगता है इस बार हमारी सोयाबीन की पैदावार भी काफी कमाल की होने वाली है। अपनी फसलों की उत्पादन की मात्रा के साथ साथ में अपने गुणवत्ता को भी सुधार करना चाहते हैं तो उर्जित को एक बार जरूर से इस्तेमाल करें। दोस्तों उर्जित को खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर अपने पास वाले कृषि केंद्र पर कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ढेर सारा शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी दबाएं। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।